सो गाइस, आज हमारे साथ है स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल डीजल वेरिएंट। आज इसका रिव्यू करते हैं, चला के भी देखेंगे इसको कैसे क्या है। तो वीडियो का एंड तक देखना, और हाँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गाड़ी का ऑल ओवर व्यू तो काफ़ी अच्छा है, वैसे लुकिंग वाइज भी अच्छा है। स्कॉर्पियो एन ये इसकी की है कुछ ऐसी, देख सकते हैं थोड़ी धूप आ रही है। ये अनलॉक हुई गाड़ी, इसके DRLs वर्किंग हुए। गाड़ी देखने में भी अच्छी है, वैसे लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी के अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी ऑल ओवर अराउंड अच्छी है वैसे, बाकी अब इसको चला के भी देखेंगे। ये इसका ड्यूल टोन में है गाड़ी का ये इंटीरियर। इसको चढ़ने के लिए बड़ी थोड़ी ऊंची है, इस पर पैर यहाँ रख के। ये इसका ऑटोमेटिक है टॉप मॉडल का, इसकी सीट का कहाँ से होता है। अच्छा, ये भी ऑटोमेटिक है। और बाकी इसकी इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखिए, ड्यूल क्लाइमेट चेंज है इसका। इस सीट का अलग है, इस सीट का अलग है, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी ये सीट इसका बूट ओपन का, ये गेट का ऑफ का, ये लाइट का है आपका। और बाकी इसका डैशबोर्ड में स्पेस मेरे हिसाब से तो कम है। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो की बैजिंग हो रखी है, बाकी स्पीकर्स दे रखे हैं, और बाकी आप तो देख ही सकते हैं। ये मिलता है कुछ गाड़ी में, ये पुश बटन है, एक बार क्लिक करने पे इसके मिरर्स फोल्डेबल हैं, ओपन हो जाएंगे। ये देखिए आप इंटीरियर इसका, इसका मीटर। अब इसको फिर क्लिक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक हम गेट बंद नहीं करेंगे। अब हम इसका गेट बंद करके स्टार्ट करके दिखाते हैं। इस पे हमें ब्रेक से ऑटोमेटिक, आप ये देखिए ब्रेक पे पैर रख के जब स्टार्ट होगी गाड़ी। और बाकी तो अभी आपको इसका स्पीकर्स भी दिखाएंगे कैसे है क्या। इन पकवानों ने खूब तेल चूसा। गाड़ी का तो इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है वैसे। अब इसका पीछे का सिस्टम दिखाता हूँ मैं आपको। गेट काफ़ी हैवी है इस गाड़ी के, ये गाड़ी लॉक हो गई है वैसे मेरे हिसाब से। अभी ओपन है, गाड़ी की स्पेस देख सकते हैं पीछे आप। ये स्पेस भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, बैठने के लिए कंफर्टेबल है, इतना कोई घिचपिच नहीं है इसमें, नॉर्मल है। और बाकी AC भी काफ़ी अच्छे है इसके, यहाँ टेम्परेचर सेट करने का भी है। सी टाइप का आपको पोर्ट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। उसके बाद आप देखिए पीछे से कुछ इंटीरियर की लुक ऐसी आती है। ये लाइट दे रखी है, वाइट लाइट है सारी, इस बार महिंद्रा ने काम अच्छा किया है। बाकी देख सकते हैं स्पीकर्स हैं, ये पीछे भी जगह काफ़ी है बैठने के लिए। फोल्डेबल मिरर से दोनों,
चुके हैं, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दो ना स्कॉर्पियो का कैसा रिव्यू लगा। तो चलो करते हैं व्लॉग को एंड। बाय बाय।